नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रिकेट जंकी की एक और नए वीडियो के अंदर। तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका T20 लीग के 14th मैच के बारे में। ये वाला मैच खेला जाएगा हमारी पाल रॉयल और हमारी MI केप टाउन के बीच में। आज की वीडियो के अंदर दोनों टीम के बारे में बात करेंगे, दोनों टीम को एनालाइज करेंगे, देखेंगे दोनों टीम में से कौन सी टीम में जीतने के चांसेस ज्यादा है। तो बिना टाइम गए चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, एक काम करते हैं, दोनों टीम के बारे में जानने से पहले नजर डालते हैं पॉइंट टेबल पर, देखते हैं दोनों टीमें पॉइंट टेबल पर कहाँ पर स्टैंड करती है, जिससे हमें एक अच्छा आइडिया पता लग पाया कि हाँ भाई दोनों टीम इस वाली लीग के अंदर कैसा कर रही है और आने वाले गेम के अंदर कैसे परफॉर्म करती हुई दिख सकती है। तो बात करें पॉइंट टेबल के बारे में, पॉइंट टेबल कुछ इस प्रकार है, जहां पर हमें दोनों टीम बिल्कुल अगल बगल देखने को मिली। यहाँ पर दूसरे स्थान पर बैठे वाली पाल रॉयल, इसके अभी टोटल 4 मैचेस, उसके अंदर से इसने 3 जीते हैं, एक हारा है और ये अपने 13 पॉइंट के साथ में दूसरे स्थान पर बैठी है। वहीं पर जस्ट इसके नीचे बैठी हमारी MI केप टाउन, जहाँ पर इसने 4 गेम, इसके भी 4 गेम्स हुए हैं, इसने 2 जीते हैं 2 हारे हैं और यहाँ पर ये 9 पॉइंट के साथ में यहाँ पर बैठी है हमारे तीसरे स्थान पर। पॉइंट टेबल देखें तो दोनों टीम बिल्कुल अगल बगल बैठी है, जहाँ पर दोनों टीम के बीच कुछ ज्यादा हमें डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, दोनों टीम बिल्कुल अगल बगल बैठी है। अब एक काम करते दोनों टीम के लास्ट मैचेस को देखते हैं, देखते हैं दोनों टीम ने अपने लास्ट मैचेस के अंदर कैसा परफॉर्म किया था। पहले हम देख लेते हैं अपने पाल रॉयल के लास्ट मैच को। बात करें पाल रॉयल के लास्ट मैच के बारे में, तो वो हुआ था अपनी MI केप टाउन के खिलाफ, जहाँ पर पहले बैटिंग करके पाल रॉयल ने बनाए थे 20 ओवर के अंदर 172 रन। देन उसके बाद MI केप टाउन ने बैटिंग करी थी और MI केप टाउन यहाँ पर ये वाला गेम जीता था, जहाँ पर MI केप टाउन ने 16 ओवर के अंदर ये वाला जो टारगेट था इसे बड़ी आसानी से अचीव कर लिया था। अगर हम बात करें स्कोर कार्ड के बारे में, यहाँ पर हमारी ओपनिंग के लाए थे जेसन रॉय और जॉस बटलर, दोनों खिलाड़ी काफी अच्छे थे, ओपनिंग इन्होंने अच्छी खासी करी, जहाँ पर जेसन रॉय ने बनाए थे 38 रन, जॉस बटलर ने बनाए थे यहाँ पर 46 रन, जहाँ पर हम देखे तो ओपनिंग अच्छी खासी थी। देन उसके बाद आए थे हमारे विहान ल्यूब और डेविड मिलर, विहान ल्यूब तो यहाँ पर नहीं थे लेकिन डेविड मिलर एक अच्छे खासी रन बना गए थे, 20 रन बनाए थे उन्होंने। देन माइकल वैन बुरेन ने भी 28 रन बनाए थे। देन एंड्रे फेलिक्वायो आए थे 9 पे आउट हो गए थे, फैबियन एलन आए थे 4 पे आउट हुए थे, मार्क फॉर्च्यून आए थे अपने 12 पे आउट हुए थे, लुंगी नगीडी आए थे हमारे 2 पे आउट हुए थे। जहाँ पर हम देखे तो ओपनिंग खिलाड़ी काफी अच्छे खासे थे, मिडिल ओवर बस ठीक ठाक थी लेकिन जहाँ पर कमी खाई वो थी लोअर ऑर्डर की बैटिंग, यहाँ पर इनको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए था। जहाँ पर बात करें विकेट के बारे में, तो विकेट कुछ इस प्रकार गई थी, यहाँ पर हमारे ऑली स्टोन ने 1 विकेट ली थी, 1 विकेट जॉस लिंगन ने ली थी, 1 विकेट कागी सोराबाड़ा ने ली थी, 1 विकेट सैम करन ने और अपनी 3 विकेट थॉमस केबर ने। देन उसके बात करें हमारे कैप्टन की बैटिंग आई थी, यहाँ पर अपने रसिबे ने 41 रन बनाए थे, रायन निकल्टन ने 94 बनाए थे, डेविड बेवेंस ने 10 बनाए थे, कॉर्नन एस्थिनासी ने अपने 17 रन बनाए थे। हम देखे तो इनके टोटल इस प्रकार से इन्होंने 175 रन बनाए थे, जहाँ पर इनके सिर्फ 2 ही विकेट गए जो कि ली थी हमारे तबरेज शामसी ने। गाइस ये तो था हमारा अपना पाल रॉयल का लास्ट वाला मैच। इस वाले मैच को देख के हमें एक चीज तो पता लग रही है कि पाल रॉयल की ओपनिंग और मिडिल ओवर की जो बैटिंग है काफी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। वही बात करें बॉलिंग के बारे में, तो बॉलिंग इनकी डिसेंट है, लास्ट वाले गेम के अंदर 2 विकेट ली थी हमारे तबरेज शामसी ने। तो हमारे देखे तो बॉलिंग इनकी डिसेंट है, बात करें बैटिंग तो बैटिंग भी इनकी डिसेंट है, जहाँ पर लो ऑर्डर की बैटिंग थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है, वहाँ पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पर इनको थोड़ी सी अपनी बॉलिंग और थोड़ी सी अपनी लो ऑर्डर की बैटिंग पर फोकस करना चाहिए। तो अब काम करते हैं, बात करते हैं इस वाली टीम के प्लेइंग 11 के बारे में। तो प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार रहेगी हमारी, जहां पर हमें देखने को मिलेंगे जेसन रॉय, जॉस बटलर, दोनों खिलाड़ी ने काफी अच्छी ओपनिंग करी थी लास्ट वाले मैच के अंदर, इस वाले मैच के अंदर जरूर देखने को मिलेंगे। देन विहान ल्यूब आएंगे, डेविड मिलर आएंगे, माइकल वैन ब्रुयन आएंगे, एंडले फेलुक्वायो, फैबियन एलन, इमाद फॉर्च्यून, लुंगी नगीडी और हमारे ओबिन मकोय और हमारे तबरेज शामसी, ये हमारे खिलाड़ी जो कि हमें देखने को मिल सकते हैं इस वाली टीम की तरफ से। बात करें सामने वाली टीम MI केप टाउन के बारे में, तो यहाँ पर हम देखें तो अपनी MI केप टाउन का भी लास्ट मैच अपना पाल लोल के खिलाफ हुआ था, इस बारे में मैंने अभी ये बात करी। जहाँ पर पाल लोल की अपनी जो बैटिंग फॉर्म थी हमें हल्की देखने को मिली थी और MI केप टाउन यहाँ पर अपने बड़े आसानी से रास्ते बेंदे दुसैन ने 41 रन बना के, रायन निकल्टन ने 94 रन बना के और डिवाल्ड ब्रेविस ने 10 रन बना के और अपने कॉर्नर एस्टन हुजिन ने 17 रन बना के यहाँ पर इस वाली टीम को हरा दिया था। यहाँ पर देखे तो ये अपने MI केप टाउन की जो बॉलिंग थी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिली, जहाँ पर वो पाल लोयल की 8 विकेट ले पाए थे, जहाँ पर ऑली स्टोन ने 1 विकेट ली, 1 विकेट जॉर्ज लिंडन ली थी, 1 विकेट कागी सोराबाड़ा ली थी, 1 विकेट सैम करन ली थी, 3 विकेट हमारे थॉमस केबल ली थी। यहाँ पर हम देखें तो अपने थॉमस केबल है सबसे अच्छे बॉलर रहे थे हमारी इस वाली टीम के लिए। यहाँ पर देखें तो इनकी जो बॉलिंग फॉर्म थी काफी अच्छी देखने को मिली, साथ ही साथ बैटिंग भी इनकी काफी बढ़िया थी, जब इनके ओपनर खिलाड़ी ने एक अच्छे खास रन बना के इस वाले टारगेट को अचीव कर लिया था। जब पर हम देखें तो अपनी MI केप टाउन की जो बॉलिंग फॉर्म है काफी अच्छी खासी हमें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अगर हम देखें तरी वाले का जो मैच हुआ था पाल के खिलाफ हुआ था अपना लास्ट वाला मैच, और ये वाला मैच इनका पाल के खिलाफ हो रहा है, तो पर हम देखें तो MI केप टाउन ने यार अच्छा खासा कर रही है इस वाली सीरीज के अंदर। साथ ही साथ पाल के खिलाफ जो मैच हुआ था उसके अंदर उन्होंने अच्छे खासे रन के साथ में हराया था,
यहाँ पर हम देखे तो इस वाले मैच के अंदर भी अपने को ज्यादा उम्मीद लग रही कि भाई MI केप टाउन ही जीतेगी। बात करें प्लेइंग इलेवन के बारे में, तो प्लेइंग इलेवन के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं रासी वेंदरदूसेन, रायन निकल्टन, बहुत बढ़िया खेलता था लास्ट वाले गेम के अंदर, 94 रन बनाए थे, इस वाले गेम के अंदर जरूर खेलते हुए देखेंगे। टंडे वर्ल्ड ब्रेवे, कॉनर एस्टोनिजन, सैम करन, लियाम लिविंगस्टोन, कैरन पोलार्ड, जॉर्ज लिंडे, कागिसो रबाडा, थॉमस केबर और ऑली स्टोन, ये हमारे प्लेइंग इलेवन इस वाले टीम के लिए। बात करें पिच और स्टेडियम के बारे में, बात करें स्टेडियम के बारे में, ये वाला मैच खेले जाने वाला है अपना बोल एंड पार्क स्टेडियम के अंदर। अगर हम बात करें इस वाले स्टेडियम के पिच के बारे में, तो इस वाले स्टेडियम की पिच अच्छी खासी रहती है, न्यूट्रल रहती है, यहाँ पर हमारे फास्ट बॉलर्स को एक अच्छी खासी मदद देती है और अपने बैटर्स को भी एक अच्छी खासी मदद देती है। वहीं बात करें इस वाले स्टेडियम के अंदर कितने मैचेस खेले गए, तो यहाँ पर टोटल 29 मैचेस खेले गए, जहाँ पर 14 बार पहले बैटिंग की टीम जीती है, 15 बार बाद में बैटिंग की टीम जीती है। अगर हम देखें तो दोनों टीम बिल्कुल बराबर सही है, पहले बैटिंग करो चाहे बाद में बैटिंग करो, लगभग बराबर सही खेल लेता है। वैसे ये था दोनों टीम के बारे में, पिच के बारे में बातें, बात करें दोनों टीम में से कौन सी टीम जीतने के चांस है, तो हमारे देखने को मिलता है कि अपनी MI के अपन को लास्ट मैच पाल लोले के खिलाफ हुआ था, जहाँ पर एक अच्छे खासे मार्जिन के साथ में जीते थे। साथ ही साथ पाल लोले की जो हमें लोअर ऑर्डर की बैटिंग और अपनी जो बॉलिंग है वो थोड़ी सी हल्की देखने को मिल रही सामने वाली टीम MI केप टाउन के खिलाफ। जब पर MI केप टाउन की बैटिंग तो अच्छी आई, साथ ही उनकी जो बॉलिंग थी वो काफ़ी अच्छी थी। लास्ट वाले गेम के अंदर उन्होंने पाल लोले के खिलाफ भिड़े थे और 8 विकेट गिराई थी। तब पर हम देखे तो अपने MI केप टाउन काफ़ी अच्छा कर रही है, पाल लोले के खिलाफ अगर उसको मैच हुआ है इस सीरीज के अंदर तो अपनी MI केप टाउन जीती है। तब हम देखते हैं MI केप टाउन का थोड़ा सा हमें पलड़ा भारी देखने को मिल रहा है हमारी पाल लोयल के खिलाफ। तो गाइस यही था आज की सोलह के अंदर, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो सुनेगी। अगर आपको वीडियो सुनोगे लाइक कर देना, अगर पाँच चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर देना, मैं आपके लिए से बड़े बड़े क्रिकेट से रिलेटेड नॉलेज वीडियो लाता रहता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक लिए बाय बाय।